महाराष्ट्र में इन दिनों एक बेहद अनूठे और अपनी तरह के अलग घोटाले की गूंज है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही एक विधायक ने घोटाले का आरोप भी लगाया है। घोटाले का नाम भी कम दिलचस्प नहीं है, भाजपा विधायक इसे चूहा घोटाला का नाम दे रहे हैं। दरअसल मंत्रालय में चूहे कामकाज को प्रभावित कर रहे थे। सरकार ने सर्वे करवाया तो पता चला कि यहाँ 3,19,400 चूहे मौजूद हैं। इन 3 लाख से ज्यादा चूहों को मारने के लिए एक कंपनी को 6 माह का समय दिया गया था, लेकिन कंपनी ने मात्र 7 दिनों में ही सारे चूहों को ठिकाने लगाने का दावा कर डाला। फिर क्या था, मामला विधानसभा में गूंजने लगा और सब अपनी ही सरकार को घेरने में लग गए हैं। भाजपा विधायक एकनाथ खड़से ने कहा कि बीएमसी 2 साल में 6 लाख चूहे ही मारती है और मंत्रालय ने मात्र 7 दिन में 3 लाख से ज़्यादा चूहे मार दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब है कि एक दिन में 45,628 चूहे मारे गए। इसका मतलब यह भी है कि कंपनी ने हर मिनट करीब 32 चूहे मारे। इनका वजन करीब 9,125 किलो होगा और मरे हुए चूहों को मंत्रालय से ले जाने के लिए रोजाना एक ट्रक की जरूरत पड़ी होगी। वहीं यह भी नहीं पता कि उन्हें कहां फेंका गया। इस पूरे कारनामे की जांच जरूर होनी चाहिए।